हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग. आज है मुंबई का डे टू. वेल, कल आफ्टर द बूट कैंप मैं होटल डायरेक्टली नहीं आई, प्लान बना कुछ एंड हम निकल गए. सो कल पूरी रात बाहर थे, वो तुम्हें अभी दिखेगा गाइस. होटल का पता नहीं, अटल सेतु जरूर आ गए एंड इट्स सो अमेजिंग. आई एम इन लव विद दिस ब्रिज डूड. व्हाट अ इनसीन ब्रिज. नो, इनसीन इनसीन. मुंबई ओपी है, मुंबई ओपी. रात के 1:50 बजे खाना नसीब हुआ हमें बरेमिया कोलाबा में. आए हम बिकॉज आई वांटेड टू सी द अटल सेतु ब्रिज, इसीलिए इतना दूर है. एक्चुअली आरवीके को मैंने काफ़ी टाइम से मैंने बोला था कि यू आर द वन जो मुंबई भ्रमण करवाएगा, सो वो एक्सेप्ट किया था. करूँगा. तो यस, रात के बजे 1:50 एंड ब्रो इधर क्या क्राउड है. क्राउड देखो इधर क्या, लाइक लेजिट दिस इज द क्राउड. खाना फाइनली आ गया है. इट इज मटन गुर्दा फ्राई एंड चिकन बटर मसाला एंड वी विल ऑर्डर अ कबाब टू. द फूड लुक्स सो टेस्टी. हमने टकरी कबाब भी ऑर्डर किया था. टकरी कबाब इज हियर. बटर चिकन इज डेफिनेटली रिकमेंडेड गाइस. अगर आप आ सकते हो कोलाबा में बरेमिया में, ट्राई द बटर चिकन, डेफिनेटली वो होता है. खाना खाने के बाद डिसाइड किया कि इधर बाजू में एक महान चीज़ है. तो वी आई हियर हार्बर वोला अटके इधर. आई रियली वॉन्टेड टू सी इट इन पर्सन एंड आई लव इट. हैव अ लुक एट दिस वॉल गाइस. Have a look at this wall, guys. It goes till there. I am the Raja. The Raja. Yes, I am the Raja. Oh, Harbour Bhaiya ur rahe guys. Jet ka dusra bhai. And then we have the iconic Harbour Hand, jo I guess bahut sare players ko mila hai. I think SK Rossi ko mila hai, Antida ko mila hai. Tujhe nahi mila hai. एज रात के 3 ऑलरेडी बज गए हैं. तो मैंने लिटरली आर यू इतना बली किया ना इस मुंबई भ्रमण के लिए. बट एनीवे रात के 3 बज ही गए तो वी डिसाइडेड कि छोड़ो थोड़ा घूम ही लेते हैं. इधर इतना कुछ है, मरीन ड्राइव इतना पास है. तो वी आर एट मरीन ड्राइव नाउ. लेट्स गो मरीन ड्राइव गाइस. ये सेकंड टाइम है मेरा मरीन ड्राइव पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सेकंड टाइम है मेरा मरीन ड्राइव पे. आई डोंट नो तुम लोगों को कुछ दिखेगा या नहीं. AM right now. अभी होटल वापस जा रहे हो. अभी ये जा रहा है RGE का बूट कैंप में वापस. What a day man, what a day. I had a very long day, but all thanks to RVK that he drove around and he actually promised that he would show me places in Mumbai. Tour guide bane hai. So a huge thanks to him. Guys, RVK OP kar do comments mein please. Abhi finally hotel jaungi main. I will take a long shower, do my skincare and doze off. Chalo bye bye RVK, thank you so much aaj ka ye Mumbai bhraman ke liye. Guys, RVK OP kar dena chat mein. Thank you for giving me the opportunity. Bye guys, what a long day. Finally room ja sakta hai. In the morning, I just took a shower. I didn't wash my hair, but I just had to like take a. बहुत ज़्यादा लंबा दिन था मेरा ना, I really needed it. मेरे को अभी थोड़ा स्किन केयर करना है. I will just brush my teeth and I will doze off and I will directly see you guys tomorrow. Okay. Brush my teeth, do my skincare.
क्या खाऊं पता नहीं. ब्रेकफास्ट तो था बट किया नहीं मैंने बिकॉज ऑब्वियसली इट्स लैपटॉप एंड आई डोंट थिंक 12 बजे के बाद वो देंगे मुझे. फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुंबई में मेरे अच्छे दोस्त मतलब आरवी के प्लेस यही सब है एंड प्लेस आएगा वीकेंड पे बिकॉज ही स्टेज इन पुणे. सो लेट्स सी इफ आरवी के इज फ्री टुडे देन कुछ हो सकता है प्लान आफ्टर द लाइक बूट कैंप के बाद. इस होटल का पासवर्ड ऑल्सो गाइज मतलब वाईफाई का पासवर्ड ये लोग मुझे 5-6 पासवर्ड लिख के आए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं. मेरे को कल का व्लॉग का पूरा ड्राइव पे अपलोड करना है. मैं कितना करूँ मोबाइल डेटा से और कितना ही स्पीड आएगा. आई नीड वाईफाई. मेरा लैपटॉप इधर बस भरा हुआ है मैं यूज भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वाईफाई का पासवर्ड ही नहीं चल रहा है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गाइस. मैं अभी भी सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट का क्या करूँ. अकेले अकेले जाके कहीं पे कर लूँ क्या गाइस बताओ. आई थिंक इट वोंट बी अ बैड आइडिया. विल इट बी देखता. बज रहा है 2:20. अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ. मैंने कैब बुक किया है. आई एम गोइंग टू मेडल का बूट कैंप ओनली. मे बी उधर के नीचे कहीं से आई एम गोना हैव समथिंग. लेट्स सी वो मैं देखूंगी. बट या बहुत जोरों की भूख लगी है. लास्ट मैंने कल वो बरे मियाँ से रात के 1 या 2 बजे खाया था. मैंने कुछ नहीं खाया. ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके हैं. सो आई एम वेरी वेरी हंग्री. आई एम स्टार्विंग राइट नाउ. एनी वे आई विल बी लीविंग फॉर मेडल बूट कैंप अभी. So I will see you guys there. So मेरा आउटफिट आज बहुत सिंपल है. आई एम वेयरिंग दिस पिंक टॉप. ये जीन्स जो मैंने लिटरली आज पहली बार पहना है बट इसका हालत देख के लग रहा है कि परसों पुराना है. और मेरा ये सिर्फ एक ही लौता जॉर्डन. सो या कैब आ रहा है गाइस. आई विल सी यू गाइस. ये तो बूट कैंप बट आज मैंने बोला कि मैंने कुछ खाया नहीं. सो थैंक्स टू मिस्टेक. बूट कैंप के नीचे देयर इज दिस कैफे. सो वी केम हियर टू हैव समथिंग वरना लेजिट में फेंट हो जाते. इतना ज्यादा भूख लगा है मेरे को. सो या हियर टू हैव समथिंग. लेट्स से हाय टू द व्लॉग. मिस्टेक रिकमेंडेड मी दिस प्लेस. सो आई गॉट ही गॉट अच्छा दिस इज द ग्रिल्ड चिकन सैंडविच. आई गॉट मोहितो. ही गॉट आइस्ड लेमन आइस टी फॉर डाइट पे. मैंने बोला पिज्जा ऑर्डर करते हैं दोनों एक करेंगे बट वो एकदम चीट डे है ही नहीं गाइस उसका. सो या ये खा के बूट कैंप जाके स्ट्रीम करने वाले हैं और मैं बैक करेंगे बूट कैंप. बट दिस इज फरहान्स कैफे. लेट्स सी ब्रो व्हाट अ अमेजिंग कैफे दिस इज गाइस. ओह माय गॉड गाइज. कैफे के बाद मेरे को ना रियलाइज हुआ क्या मैं इतने 10 दिन के लिए हूँ एंड मेरे पास ढंग के आउटफिट्स नहीं है. सो आई केम टू ज़ूडियो. इट वॉज नियर बाय टू शॉप समथिंग एंड उसके बाद मैं मेडल बूट कैंप जाऊँगी. एंड इधर इलेक्ट्रिसिटी चली गई. सो इट्स सो हॉट एंड स्वेटिंग बट या गाइज अभी बज रहा है 6:40. इधर सनसेट हो रहा है अभी. एक्चुअली आई एम यूज टू सनसेट. यूजुअली मेरे उधर हो जाता है अभी अंधेरा रहता है बट अभी इधर सनसेट हो रहा है. ऐसा फील नहीं हो रहा है 6 बज रहा है. एनी वे मैं ज़ूडियो गई थी कुछ खरीदने बट उधर लाइट चली गई एंड उधर एसी नहीं थी. सो इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था मुझे. आई कुड बेली ब्रीद लाइक आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनी थिंग. सो एनी वे आई लेफ्ट. आई कुडंट बाई एनी थिंग. प्रोबेबली आई विल गो टुमारो और समथिंग. लेट्स सी मेरे को चाहिए कुछ कपड़े बट अभी मैं आई हूँ 7-Eleven. मेरे को कुछ ठंडा चाहिए. उतना गर्मी के बाद मैं सफोकेट हो गई तो आई नीड समथिंग. तो वो 7-Eleven आई हूँ. लाइफ में मैं पहली बार 7-Eleven आई हूँ बिकॉज कलकत्ता में 7-Eleven नहीं है. सो या चलो इस लाइफ में फर्स्ट टाइम आई एम गोना स्टेप इन टू 7-Eleven. आई डोंट नो हाउ इट इज. सो या सो आई गॉट दिस कोला एंड चिकन स्ट्रिप्स. ऑनेस्टली 7-Eleven हमारे उधर स्पेंसर्स होता है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है. आई यूज टू थिंक 7-Eleven वुड बी डिफरेंट. द ओनली डिफरेंस इज कि ये 24 आवर्स ओपन रहता है. इसमें खाना मिलता है लाइक सैंडविच बर्गर्स एंड आइसक्रीम एंड ऑल. बट वो बस सब कुछ मिलता है ग्रोसरीज. सो या दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट या डेफिनेटली अ थम्स अप गाइस. सारी दुनिया का बेकार काम पूरा दिन वेस्ट करने के बाद फाइनली मैं मेडल बूट कैंप पे मतलब अभी नीचे लिफ्ट आ रहा है फाइनली पहुंच चुका है. अभी स्ट्रीम होने वाली है.
फिर मोस्टली आई विल गो समवेयर टू ईट और ड्राइव पे जाऊंगी. आरवीके को एक बार कॉल करके पूछना पड़ेगा, अगर वो फ्री है तो मिलेंगे, वरना उसके अलावा अभी कोई है भी नहीं मुंबई में जिसके साथ मैं मिल सकती हूँ. एनीवे द लिफ्ट इज योर, सो मैं डायरेक्ट मेडल बूट कैंप में मिलता है. मैं बाद में दिखाऊंगी तुम लोगों को बूट कैंप का, तो अलग से मैं डालूंगी. फिलहाल ये वैलो रूम का तुम लोगों ने अगले व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में तो देख ही लिया था. यहाँ से मैं कर रही हूँ स्ट्रीम. ये फरहान का है, ये साई भाई का है, वो वाला एक्सकैली का है, और बाकी का मुझे याद नहीं है. सो या हेलो गाइस, इट्स राइट नाउ 5:45 बज रहा है, 4:45 AM है. आई जस्ट रीच द होटल. बहुत 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 ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं लेजिट बता रही हूँ. 3 दिन से ना ढंग से ना नींद भी नसीब नहीं हुआ है, एंड एवरी डे वो लाइक सेम थिंग लाइक हो रहा है अभी कि मुंबई रोज. बट मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट अभी बहुत टायर्ड हूँ मैं. सो आई एम गोना डोज ऑफ. बट द थिंग इज, आज का अगर मैं पूरा रात का भी व्लॉग तुम लोगों को इस व्लॉग में इंक्लूड करूँ तो बहुत लंबा हो रहा है. सो आज का ये व्लॉग इधर तक ही था. तुम लोगों को आज का जो पूरा रात है वो तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, बिकॉज इट वॉज आफ्टर 12, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द day 3 व्लॉग. सो यू गाइस विल गेट टू सी इट ओवर देयर. चलो गाइस, ये व्लॉग इधर तक ही था. मिलते हैं अगले ब्रांड न्यू व्लॉग पे. टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, पीस.